सो गाइस, एश ने अपने जर्नी में काफ़ी सारे पोकेमोन देखे हैं और काफ़ी सारे पोकेमोन पकड़े हैं, और उसके कुछ पोकेमोन तो यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन को भी हरा सकते हैं, और उसके कुछ पोकेमोन तो यार अपनी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पर ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टॉप 5 पोकेमोन जो एश को इवॉल्व करने चाहिए थे। सो गाइस, आप देख रहे हैं आपका चैनल पोकेमोन अरवाय, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, पुराने हो तो लाइक मारो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना। और गाइस, मेरा इंट्रो बनाया है पोकेमोन रेस्क्यू ने, तो आप उनके चैनल को भी जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस लिस्ट में अगर आपका कोई फेवरेट पोकेमोन नहीं आता है तो प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में अपने खुद की लिस्ट जल्दी कमेंट कर सकते हैं। और इस लिस्ट में पिकाचू और बल्बसोर नहीं इन्वॉल्व होने वाले, क्योंकि वो दोनों इवॉल्व भी नहीं होना चाहते, तो क्या यार इन्वॉल्व थोड़ी करूँगा मैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो पोकेमोन नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी जगह बनाता है वो है क्विलावा। सो गाइस, ये इवॉल्व होता है सिंडोक्विल से, और ये एक जोडो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन भी है, और ये सिन्नो रीजन में यार क्विलावा में विकसित हो गया था जब टीम रॉकेट इसे परेशान कर रही थी तब। सो गाइस, मुझे लगता है यार ऐश को इसे यार फुल्ली इवॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि यार सिंडोक्विल से क्विलावा में तो विकसित हो ही गया है, और ये टाइफोलिजन में विकसित हो जाएगा तो यार ये काफ़ी कूल पोकेमोन है, और ये एक प्लेन फायर टाइप पोकेमोन, मतलब ये एक ही टाइप का पोकेमोन है, और यार इसके अटैक भी काफ़ी तगड़े तगड़े हैं, जैसे कि बर्न आउट, डबल एच, रोल आउट, इरप्शन, कुछ इस तरह के इसके अटैक है। और यार इसे सभी पोकेमोन के खिलाफ एडवांटेज है, खाली ग्राउंड, रॉक और वाटर को छोड़कर, मतलब यार सभी पोकेमोन पर यार अच्छी खासी इसका एडवांटेज है, इसीलिए गाइस मैंने इस पोकेमोन को नंबर 5 की पोजीशन पर रखा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की पोकेमोन की। सो गाइस, जो पोकेमोन नंबर 4 की पोजीशन पर अपनी जगह बनाता है वो है कॉफिश। सो गाइस, ऐश का कॉफिश बाकी सभी कॉफिश से थोड़ा अलग है यार, इसमें काफ़ी ज़्यादा जोश लड़ने का जज्बा है, और ये एक वाटर टाइप का पोकेमोन है, और गाइस अगर ऐश इसे क्रोडोंट में इवॉल्व कर लेता तो यार बहुत ही अच्छा होता है ऐश के लिए, क्योंकि यार एक वाटर प्लस डार्क टाइप दो टाइप का पोकेमोन है यार, और ऐश के पास पहली बात तो डार्क टाइप पोकेमोन है ही नहीं, और अगर ऐश इस पोकेमोन को इवॉल्व कर लेता ना यार तो ऐश के तो मज़े हो जाते यार। और यार ये काफ़ी सारा पावरफुल अटैक कर सकता है, जैसे क्रंच, रेजर शेल, नॉक ऑफ, डबल हिट, प्रोटेक्ट, बबल बीम, कुछ इस तरह के ये अटैक कर सकता है, और ऊपर से ये डार्क टाइप के भी अटैक कर सकता है। सो गाइस, मेरा मानना है कि यार ऐश को इस पोकेमोन को इवॉल्व करना चाहिए था। सो गाइस, जो पोकेमोन नंबर 3 की पोजीशन पर अपनी जगह बनाता है वो है टोटोलाइल। सो गाइस, ये भी एक जोटो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन, और यह काफ़ी ज़्यादा फनी पोकेमोन है यार, ये पोकेमोन भी मेरा एक पर्सनल फेवरेट पोकेमोन हुआ करता था। सो गाइस, ऐश अगर इसे फरैलीगेटर या क्रोकोना में इवॉल्व कर लेता तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ऐश की टीम के लिए, और ये फुल्ली वाटर टाइप पोकेमोन है, एक सिंगल टाइप पोकेमोन है, और इसे डिसएडवांटेजेस है ग्रास और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के सामने, मतलब बाकी सभी पोकेमोन के खिलाफ ये अच्छा खासा डैमेज सह लेगा, पर ग्रास और इलेक्ट्रिक टाइप के सामने ज़्यादा डैमेज चाहिएगा। और यार इसके अटैक्स भी आप एक बार सुन लीजिए, हाइड्रो पम्प, सुपर पावर, एक्वाटेल, थ्रैश, चिप अवे क्रंच, कुछ इस तरह की ये अटैक कर सकता है। सो गाइस, ऐश को यार इस पोकेमोन को इवॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि यार ये टोटोडाइल की, जब ये टोटोडाइल था तो ये वैसे ही इतना ज़्यादा पावरफुल था, और जब ये यार फरैलीगेटर बनता तो यार इसके जलवे तो देखने लायक होते, इसलिए मैंने इस पोकेमोन को नंबर 3 की पोजीशन पर रखा। सो गाइस, जो पोकेमोन नंबर 2 की पोजीशन पर आता है, सो गाइस इस नंबर 2 की पोजीशन पर दो पोकेमोन आते हैं, एक तो है हमारा स्नैवी और दूसरा है हमारा स्क्वाडल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्क्वाडल के बारे में। सो गाइस, ये एक कांटो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन है, और यार ये ऐश का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, ये अपने विकसित रूप को भी हरा सकता है, वॉर टोटल को और ब्लास्टोइस को। सो अगर ये अपने फाइनल स्टेज पर आ जाए ब्लास्टोइस में तो यार इसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता यार, ये बहुत ही अच्छा पोकेमोन है, मेरा मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है ये पोकेमोन। सो गाइस, ये तो थी स्क्वाडल की बात, अब हम बात करते हैं हमारे स्नैवी की। सो गाइस, स्नैवी एक यूनोवा रीजन का स्टार्टर पोकेमोन है, और ये एक ऐश का फुली ग्रास टाइप पोकेमोन है, मतलब एक सिंगल टाइप का पोकेमोन है, और अगर ऐश इसे सरपीरियर में इवॉल्व कर लेता तो ये ऐश के लिए काफ़ी अच्छा होता, और उसकी टीम के लिए भी, और ये इसके अटैक आप सुनिए, लीफ ट्री,
गैस्ट्रोएसिस, गिगाट्रेन कॉइल स्लैम कुछ इस तरह के अटैक कर सकता है। अगर गैस एच इसे स्नैवी से पूरी तरीके से सरपेरियर में इवॉल्व कर लेता तो ये एच की यूनिवर टीम के लिए अच्छा होता, क्योंकि यार एच की यूनिवर टीम कुछ इतनी खास नहीं थी, उसमें क्रोकोडाइल ही सबसे ज़्यादा ताकतवर था। सो अगर एच का ये स्नैवी सरपेरियर में इवॉल्व हो जाता तो यार एच यूनोवा रीजन देखने में भी थोड़ा बहुत मज़ा आ जाता हमें। सो गाइस, जो पोकेमोन नंबर वन की पोजीशन पर अपनी जगह बनाता है क्या, उसे तो आप सभी जानते होंगे, और वो है हमारा प्यारा सा गीपाइल। सो गाइस, इस पोकेमोन के बारे में क्या कहूँ यार, इसका विकसित रूप तो भाई यार क्या बताऊँ मैं, कार चौम यार, इस पोकेमोन से मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव है, और आपको भी होगा यार, एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है यार, एक ड्रैगन और एक ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है। सो अगर ऐश इसे गीपाइल से गार्चोम या गेबाइल में इवॉल्व कर ले तो यार बहुत ही मज़ा आएगा यार, और गीपाइल और ऐश का भी बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, तो यार ऐश इसे मेगा इवॉल्व भी कर सकता है अगर वो गार्चोम में आ जाए, मेगा गार्चोम में भी उसे वो विकसित कर सकता है। आप इसके एक बार अटैक सुनिए, ड्रैगन रश, डिक, ड्रैगन क्लॉस रैश, टेक डाउन, सेंट स्ट्रॉम, ड्रैगन रेज, तो यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है। और अगर फ्यूचर में यार ऐश ने कभी अपने गीवाल को गेबाइड या गार्चोम में एवॉल्व किया तो यार मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, और आप भी कभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा अगर ऐश का गीवाल गार्चोम में एवॉल्व हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।